हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आपको यह पता होगा कि यूपी एपीओ में दो पेपर रहते हैं, पहला होता है लॉ का और दूसरा होता है जीएस का, जीके का कहें तो। जो लॉ होती है हमारी, जो लॉ है वो कितने नंबर की होती है, 150 होती है, और जो जीके होता है वो कितना होता है, वो 50 होता है। 50 देखिए क्वेश्चंस रहते हैं और 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो जीके को कवर करेंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चन यूपी एपीओ में जीके में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आ चुके हैं जो क्वेश्चन, उन्हीं को कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जीके के जो है दो पार्ट बनाए हैं अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग 2002, 2006, 2006-07 और 2007 के पेपर को पूरा कवर करेंगे, और यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है, नितांत आवश्यक आपके लिए है, ज़रूरत है कि जब आप क्वेश्चन या जब एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उससे पहले आपका जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ज़रूर आप पढ़ के जाइए। हो सकता है कि वो आपका रिवाइज कर दें, रिपीट कर दें, उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा जाए। यदि दोबारा ना पूछा जाए तो कम से कम जो ऑप्शन होते हैं उसी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि पिछले पेपर में आपके पूछ लिया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, सपोज़, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ लिया। अब आपको ये काम करना है कि यदि पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया है तो हमें तीनों युद्ध याद होना चाहिए। अब आपसे ये हो सकता है कि जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एपीओ का, तो हो सकता है कि यही पानीपत का द्वितीय युद्ध दोबारा पूछ ले, या पानीपत का प्रथम युद्ध भी पूछा जा सकता है, या पानीपत का तृतीय युद्ध भी पूछा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर के मन में आ जाए, तो आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग यूपी एपीओ जीके को कवर करेंगे, जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको दो पार्ट में देखा जाएगा। ये वीडियो पार्ट फर्स्ट होगी। और एक चीज़ और कि आप यदि पीसीएस का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो 12 जून को होने जा रहा है, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीके है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पीसीएस देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ के जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर, पहला पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं, ये 2002 का है, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, देखिए 50 क्वेश्चन हैं पहले पेपर में, तो जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है उस पर मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। जैसे करंट अफेयर के तब का पूछा गया था तो अब का कोई काम नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने क्रॉस कर दिया है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो वह है कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सुमेलित करना है, ठीक है, एक तरफ पदार्थ है दूसरी तरफ तत्व है, तो इसमें देखते हैं, एक तरफ हीरा, संगमरमर, रेत, माणिक्य है, दूसरी तरफ है तत्व में कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन है। तो हीरा में कौन सा तत्व पाया जाता है उसको देखते हैं। हीरा में देखिए कार्बन पाया जाता है, ठीक है, हीरा में क्या है, कार्बन पाया जाता है, आपको निशान लगा दूं मैं, ये कार्बन पाया जाता है हीरा में, ठीक है, संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है, और रेत में क्या है, सिलिकॉन पाया जाता है, और माणिक्य में एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद देखिए आपको क्या ये आंसर पता है, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब भी आप देखते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, हीरा में क्या है, कार्बन है, संगमरमर में कैल्शियम है, रेत में सिलिकॉन है, माणिक्य में क्या है, एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, ये सबको पता है, आंवला, नींबू, अमरूद, संतरा। तो किसमें पता है पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित को उनके कैलोरी मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसको बढ़ते हुए कैलोरी के मान में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी किसमें पाई जाती है? अंडे में, ठीक है, ये रहा अंडे में, ठीक, फिर उसके बाद दूध में, फिर उसके बाद मक्खन, उसके बाद क्या होगा, शर्करा, फिर आइसक्रीम, ठीक है। तो ये होगा पूरा, अंडा, फिर दूध, फिर मक्खन, फिर शर्करा, फिर आइसक्रीम आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर ग्रिड होता है, क्या होता है? कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप, नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हैड्रॉन संपत्ति का एक हार्डवेयर घटक। तो क्या होगा इसमें? कंप्यूटर ग्रेड होता है, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाप द्वारा हाथ में जलन गंभीर होती है अपेक्षाकृत उबलते जल द्वारा, क्योंकि भाप हल्की होती है, भाप में ऊष्मा होती है, भाप शरीर में घुस जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी, भाप क्या होगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल जल की सतह पर फैल जाता है, क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक है, ठीक है, इसीलिए तेल जल की सतह पर फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ये तो कॉमन क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? लोलक की लंबाई, ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए? 20 अक्टूबर, 4 जुलाई, 8 अगस्त, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये सब क्रॉस किया हुआ है, ये सब नहीं पढ़ना है। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? गोल्डा मीर, इंदिरा गांधी, मैरी यूजेनिया चार्ल्स, सिरीमाऊ भंडार नायके। तो कौन थी? तो ये सिरीमाऊ भंडार नायके थी, ठीक है, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसको सुमेलित करना है, किस कंपनी की ये लोग हैं? टाटा, फोर्ड, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक तरफ है स्कॉर्पियो, एक्सेंट, आइकॉन, इंडिका, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सही होगा? इसमें देखिए टाटा जो है, एक सेकंड बता रहा हूँ, टाटा जो है ये होगा आपका इंडिका, ठीक है, टाटा इंडिका। फोर्ड जो होगा वो आइकॉन है, हुंडई ये एक्सेंट की, और ये देखिए ये तो कंपनी है, ये कंपनी है, और ये क्या है? गाड़ियां हैं आपकी। तो इंडिका किसकी है? टाटा की है, ये पता ही है आपको, ठीक है। और जो ये है आइकॉन किसकी है? फोर्ड की है। हुंडई किसकी है? एक्सेंट किसकी है? हुंडई कंपनी की है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो जो है,
स्कॉर्पियो किसकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की है। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा है, तो किसने लिखा है, जेबुनिस्सा, रोशन आरा, जहां आरा, गुलबदन बेगम, तो किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। क्या लिखा, हुमायूं नामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो इसमें ऑप्शन है आपका, गुरु अंगद को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु रामदास को, गुरु अर्जुन को, तो किसको जाता है, गुरु रामदास को जाता है। अमृतसर की स्थापना का श्रेय से गुरु रामदास को, ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए सन दिए गए हैं और किस सन में युद्ध हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, 1192 में क्या हुआ था, तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था। एक सेकेंड, तराई का क्या हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था, हेयर करें, हाँ 1192 में क्या, तराई का द्वितीय युद्ध। फिर आपका हुआ 1707 में, 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1761 में क्या हुआ था, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1605 में क्या, अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये पूरा टोटल है। अब देखिए ये रहा, मैंने आपसे कहा ना, देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध आया, तब आपको क्या करना चाहिए, पानीपत का प्रथम युद्ध भी याद होना चाहिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध भी याद होना चाहिए। अब यहाँ तराई का द्वितीय युद्ध है, तो तराई का प्रथम युद्ध भी याद होना चाहिए, किस कहाँ हुआ था, किसके मध्य हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ हमने देखिए नोट किया हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय 1761 में। पहला युद्ध जो पानीपत का हुआ वो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, दूसरा युद्ध अकबर वर्सेस हेमू के मध्य हुआ था, तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये आपका पानीपत के तीनों युद्ध थे। अब देखिए यहाँ पर हमने नोट डाउन किया है, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में, सुमेलित करने के लिए क्या आया था, तराई का द्वितीय युद्ध आया था। तो पहला युद्ध 1191 में हो रहा है, द्वितीय युद्ध एक साल बाद हो रहा है 1192 में, प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, गोरी इसमें पराजित हुआ था। जबकि द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुआ था, मतलब कि दोनों युद्ध, तराई का चाहे प्रथम युद्ध हुआ हो चाहे तराई का द्वितीय युद्ध हुआ हो, दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ है, और पहले युद्ध में गोरी पराजित हुआ है जबकि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, भट्टस्वामी, राजशेखर, विष्णुदत्त, विशाखदत्त, तो क्या नाम था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुदत्त था, और क्या नाम था, कौटिल्य भी इन्हीं का नाम था, ये भी याद रहे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था, एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, एम के गांधी ने, तो किसने शुरू किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, बी आर अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर, जी डी बिड़ला, एम के गांधी, तो कौन था, जी डी बिड़ला थे अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रमण नीचे दिए गए कूट से सही बताइए। ठीक है, तो इसको सही करना है हमें, सर हेनरी हॉर्डिंज और लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, कौन पहले है कौन लास्ट में, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है, तीसरा, फिर
सर हेनरी हॉडिंज हैं, फिर लॉर्ड डलहौजी हैं, फिर लॉर्ड एलनबरो हैं। एलनबरो लास्ट में हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू वेडरवन। तो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महकपरी का उपनाम दिया गया था, किसको नाम दिया गया था? लक्ष्मीबाई को, जीनत महल को, हजरत महल को, उपरत में से कोई नहीं। तो कौन था इसमें? ये हजरत महल को नाम दिया गया था, महकपरी, हजरत महल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 में आज़ाद हिंद फौज की दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था? सर तेज बहादुर सप्रू ने, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने, भूला भाई देसाई ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने किया था? भूला भाई देसाई ने किया था मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, तो कौन सा प्रांत था? बम्बई, असम, उड़ीसा, बिहार। कौन सा प्रांत है वो? वो असम प्रांत है जहां पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित घटनाएं हैं, कौन पहले आया कौन बाद में, ऐसे सीरियल वाइज उनको मिलाना है आपको। चौरी चौरा, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें से कौन कौन है, मैंने सन भी लिख दिया है। अब इसमें सबसे पहले 1917 चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। फिर इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है 13 अप्रैल 1919, पूरी डेट आपको याद होनी चाहिए। फिर लास्ट में चौरी चौरा की घटना घटती है 5 फरवरी 1922, पूरी डेट याद होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो किसते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में चलाया गया है, ये ध्यान रहे आपको। असहयोग आंदोलन 1920 में है, सविनय अवज्ञा 1930 में, खिलाफत आंदोलन भी 1920 में है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में है। मगर वो जो देखिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ये दोनों 1920 में है, बट पहले खिलाफत आंदोलन चलाया गया है 1920 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण था? चौरी चौरा कांड, ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र, नरमपंथियों का विरोध, जनता की उदासीनता। तो क्या था इसमें? इसमें देखिए चौरी चौरा कांड की घटना थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर देना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विषय में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए कूट सही उत्तर चुनिए। इसमें से कौन कौन से सही हैं इनको देखना है। इनका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, 1857 की बात हो रही है, इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। 4 जून 1857 को विद्रोह का आरंभ कानपुर से हुआ था। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जनरल हसी की हत्या की थी। बैरकपुर की घटना के बाद विद्रोह दिल्ली से प्रारंभ हुआ। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देखिए पहला सही है, ठीक है, इसमें पहला सही है और कौन सा सही है, फिर चौथा सही है। बैरकपुर की घटना के बाद विद्रोह दिल्ली से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसमें 1 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में सही है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हिंदू संगठन था। बाल गंगाधर तिलक उसके अध्यक्षों में से एक थे। सरोजनी नायडू इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और नेक्स्ट है, लास्ट है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण स्वाधीनता का व्रत ग्रहण किया था। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सही है डी, आपका लास्ट, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण स्वाधीनता का व्रत ग्रहण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजव्यवस्था अब आ गई। भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित भाग, निषेध तत्व, उपरोक्त तीनों। तो इसमें कौन सा सही है? उपरोक्त तीनों सही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। तो क्या सही होगा इसमें? इसमें देखिए दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है कि राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जनपद तथा सत्र न्यायालय में, उप सभी में। तो किस में किया गया है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ बताई गई है? आर्टिकल 127 में बताया गया तदर्थ न्यायाधीश, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? ठीक है, समान सीटें प्राप्त, ये तब का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए आप, इससे देखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से भारत में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय से संलग्न है? तो कौन है? ICICI, IDBI, IFCI, उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ICICI होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित करों में से कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? आयात शुल्क, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आयकर, स्टैंप ड्यूटी। तो कौन से हैं? आयात शुल्क है और व्यक्तिगत आयकर है। ये दोनों शुल्क जो है वो भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, यह शीर्ष बैंक है। ठीक है, यह मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें देखिए, यह शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही है। यह मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है, ये भी सही है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये नहीं सही है। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, हालांकि अब चारों होना चाहिए, बट यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो जो सही, सबसे सही ऑप्शन होगा तो वो 1, 2 और 4 होगा, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? USA, जापान, फ्रांस, इटली। कौन है? इटली है। ठीक है, भूमध्य सागरी जलवायु की विशेषता क्या है? उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु, गर्म जाड़े की ऋतु एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु, वर्ष पर्यंत वर्षा, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क जाड़े की ऋतु। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु, ये है। ठीक, ऑप्शन ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नांकित शैल समूहों में से कौन सा अत्यधिक धात्विक है? विंध्य, गोंडवाना, धारवाड़, टर्शरी। तो कौन सा है? थारवाड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नांकित सागरों में से किसमें अधिकतम लवणता पाई जाती है? मृत सागर, बोरिंग सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर।
तो किसमें है? मृत सागर में, ठीक है, डेड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है आपके जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का विरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त तीनों। तो क्या होगा? उपरोक्त तीनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? घाघरा, रामगंगा, गंडक, सोन। तो किसका उत्तरमुखी है? तो सोन का है, ठीक है, ये उत्तर की तरफ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन से प्रदूषण उत्पन्न होता है जो निम्नलिखित मिश्रण छोड़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड, अज्वलित हाइड्रोकार्बन, उपरोक्त सभी। तो क्या ऑप्शन होगा? उपरोक्त सभी आपके सही होंगे, ठीक है। तो ये आपका 2002 के का पेपर था जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमने कवर किया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 2006 के पेपर को देखेंगे। अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन है बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण, वर्षा जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण, अम्ल वाष्प जो बादलों तक पहुंचकर ठंडी होने के कारण, बिजली चमकने और बादल फटने के कारण, जल वाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के कारण। तो किसके कारण है? ऑप्शन ए सही होगा, बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का प्रयोग करता है? माइक्रो तरंग का, इलेक्ट्रॉनिक तरंग का, अल्ट्रासोनिक तरंग का, साउंड तरंग का। तो किसका प्रयोग करता है? माइक्रो तरंग का, रडार माइक्रो तरंग का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण है स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, स्टेम कोशिकाओं की बहुक्षम क्षमताओं को देखते हुए, ये कथन था। कारण है स्टेम सेलों से एक संपूर्ण भ्रूण निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें देखिए कथन ए सही है और परंतु आर जो है ये गलत है, ठीक है, सिर्फ एक सही है, कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा? तो कहाँ न्यूनतम होगा? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र में। तो कहाँ पर क्या होगा, किस स्थान पर न्यूनतम होगा? तो किस पे होगा? यह विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? लिम्फ में, रुधिर में, अग्नाशय रस में, पित्त में। तो किस में? रुधिर में पाए जाते हैं। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज मिलाई जाती है? चूना, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, जिप्सम, कंपोस्ट खाद। क्या मिलाया जाता है इसमें? तो इसमें चूना मिलाया जाता है अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए, क्या? चूना। नेक्स्ट, एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है, ऑप्शन है आपकी हवा की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होने के कारण, हवा का घनत्व वायुयान के नीचे से ऊपर की ओर कम होने के कारण, इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण, वायुयान की नासिका ऊपर की ओर उठी होने के कारण। तो किसके कारण होगा? यह इसके पंखों का ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई हुई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, उसी कक्षा में घूमती रहेगी। तो क्या होगा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी, उसी कक्षा में घूमती रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी? दोगुनी, चारगुनी, अपरिवर्तित, आधी।
तो यह क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है, मृदु जल, कठोर जल, भारी जल, क्रिस्टली जल? क्या कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आँख को जो नुकसान होता है इसका क्या कारण होता है, सूर्य की नई किरणें, सूर्य के सिरे की तीव्र चमक, सूर्य के सामने चंद्रमा की उपस्थिति, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें? तो क्या होगा, ऑप्शन डी, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत रोम व्यापार का संकेत मिलता है, किसमें मिलता है, रामायण में, मनुस्मृति में, दिव्यावदान में, संगम साहित्य में? तो किसमें है, संगम साहित्य मिलता है भारत रोम व्यापार का संकेत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वंश सबसे पुराना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चालुक्य, चोल, पल्लव, सातवाहन? तो कौन है, सातवाहन सबसे, यह वंश जो है सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए निम्न में से कौन प्रसिद्ध है, बलबन, अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी? तो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति के लिए सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था किस चीज़ का, अंतःपुर की व्यवस्था के लिए, धर्म प्रचार के लिए, मुद्राओं के परीक्षण के लिए, कारीगरों के निरीक्षण के लिए? तो किसके लिए था यह, ऑप्शन आपका सी सही होगा, मुद्राओं के परीक्षण के लिए था, रूप दर्शक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नांकित के राज्य में सम्मिलित थे, कौन थे, महापद्मनंद, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष? तो कौन थे, ऑप्शन बी, अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था, बालादित्य, हर्ष, गोपाल, धर्मपाल? तो किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए, उसके बंध्या होने की स्थिति में वह दूसरा विवाह कर सकता है? तो किसने कहा था, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, औरंगजेब? किसने कहा, अकबर ने कहा था यह। ठीक है, चलिए देखिए, एक तरफ घटना है, एक तरफ वर्ष है, इसको आपको मिलाना है, अकबर का जन्म, ठीक है, ऐसे करके मिलाना होगा, मैं बताता चल रहा हूँ आपको कैसे कैसे क्या है। तो ये है अकबर का जन्म, ठीक है, ये होगा आपका 1542 में, ठीक है, अकबर का जन्म सही। फिर तैमूर का आक्रमण 1398 में, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ, 1565 में हुआ है तालीकोटा का युद्ध, एंड लास्ट तराई का प्रथम युद्ध, ये हमने बताया था पिछली वीडियो में, पिछले अभी जो पिछले ईयर का गया था पेपर उसमें मैंने बताया था 1191 में, ठीक है, ये युद्ध हुआ है। तो ऐसे ऐसे आप सुमेलित करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक लक्ष्य क्या था, एक मुस्लिम बाहुल्य सूबे का निर्माण करना,
पूर्वी बंगाल में आर्थिक विकास की सहायता करना, बंगाल में राष्ट्रीयता की शक्तियों को दुर्बल करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या था? पूर्वी बंगाल में ऑप्शन सी सही होगा इसका, बंगाल में राष्ट्रीयता की शक्तियों को दुर्बल करना था, ठीक है, इसका वास्तविक लक्ष्य था, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के सत्य जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्बास तैयब जी। तो किसने स्थान लिया था? अब्बास तैयब जी ने इनका स्थान लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और इनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करें? तो किसने किया था? आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? अजमल खां ने किया था, ठीक है, अजमल खां ने सावधान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह कहाँ भड़का था? अवध में, बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में। तो कहाँ भड़का था? बंगाल में सन्यासी विद्रोह भड़का था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटी थी? यह भील विद्रोह था जो महाराष्ट्र में घटित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1814 से 1817 काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के तालुकेदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया? अलीगढ़, अवध, बीरभूम, मालवा। तो किसके विरुद्ध युद्ध किया? अवध के विरुद्ध विद्रोह किया था इसने, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। परमहंस मंडली निम्न में से कहाँ का एक सुधारवादी संगठन था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल। कहाँ का था? महाराष्ट्र का था, ठीक है, महाराष्ट्र का एक सुधारवादी संगठन था यह। निम्नलिखित संगठनों में से किसका उद्देश्य था शस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ना और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना? इंडियन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बॉम्बे ब्रिटिश एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो क्या था? ऑप्शन बी आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चला दी? प्रीति लता वादेदकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, बीना दास। तो किसने गोली चला दी थी? बीना दास ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, के योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, एंड लास्ट भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका। चलिए अब तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया, ये भी पता होगा आपको। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, कौन कौन सा सही है ये देखना है इसमें से। पहला, पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो इस ऑप्शन में से कौन कौन से सही हैं? इसमें से देखिए केवल एक सही है, ऑप्शन बी दूसरा, पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ठीक है। चलिए, अधिकतम कितने संख्यक आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? 3, 2, 5, 4। तो कितने मनोनीत किए जा सकते हैं? 2 मनोनीत किए जा सकते हैं। भारतीय संसद में सम्मिलित है क्या क्या सम्मिलित है बताइए? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, स्पीकर और लोकसभा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो क्या क्या शामिल है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? सार्वजनिक प्रतिष्ठान में विनिवेश, आयात शुल्क में कमी,
रुपए को परिवर्तनशील बनाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छता पूर्वक आने देना। तो इसमें से कौन सा मापदंड सही नहीं है? तो ये ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छता पूर्वक आने देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने कहा है कि जनसंख्या को स्थिर करने के लिए शिक्षा सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, सैम पिट्रोदा, सोमनाथ चटर्जी, प्रणव मुखर्जी। तो किसने कहा था? सोमनाथ चटर्जी ने कहा था। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? शीत शुष्क मंडल लद्दाख, आर्द्र नम मंडल उत्तरी भारत, उष्ण नम मंडल मध्य भारत, उष्ण शुष्क मंडल राजस्थान। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आर्द्र नम मंडल उत्तरी भारत, ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य परियोजना कहाँ विस्तीर्ण है, कहाँ तक फैली है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, एंड लास्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका सी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में दंडकारण्य परियोजना विस्तीर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर क्या होगा इसका? पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना में लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? देखिए 2001 था, वहाँ हमने 11 कर दिया। ठीक है, तो यूपी के बाद सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा होगा? महाराष्ट्र है, यूपी के बाद महाराष्ट्र है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और चयन कीजिए कि कौन सा सही नहीं है। पहला, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। यह सर्वाधिक खारा महासागर है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, यह पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है, यही सही नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा है 2006-07 में एक विशेष तौर पर पेपर हुआ था, उसका जीके देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? समय का, द्रव्यमान का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का। तो किसका है? तो यह दूरी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष प्रकार का निद्रव वायुदाब मापी यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, क्रोनोमीटर, सेक्टेंट। तो क्या कहलाता है? एनीमोमीटर। ठीक है, ए से एयर होता है तो उसको वायुदाब आप मान के चलते हैं कि ये वायुदाब मापी यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है, क्या है? कैडमियम, सीसा, तांबा, मरकरी। तो क्या है इसमें से? ये सीसा है। ठीक है, विषाक्त धातु। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? तो क्या आवश्यक होता है? ऑक्सीजन, स्टार्च, प्रोटीन्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से क्या आवश्यक है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग में कौन सा रंग होता है? नीला एवं लाल, हरा एवं पीला, नीला एवं नारंगी, बैंगनी एवं लाल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बैंगनी एवं लाल होता है सीमावर्ती रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रपति अपने पद से हटाए जा सकते हैं निम्न अवस्थाओं में, किस अवस्था में हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति? तो संसद की अवज्ञा करने पर, अयोग्यता पर, सिद्ध दुर्व्यवहार पर, संविधान की उपेक्षा करने पर। तो कैसे हटाए जा सकते हैं? संविधान की उपेक्षा करने पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 16, 19, 22, 31। तो कौन सा है? अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? निर्वाचन आयुक्त, एक राज्य का राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन है? एक राज्य का राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा स्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो किस पर आधारित होती हैं? तो यह थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जेनेवा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, यूरोपियन आर्थिक संघ ब्रुसेल्स, खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन डी, खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क, ये सही नहीं है, बाकी सभी चीज सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? चाचनामा, इंशा ए मेहरू, खजाइबुल फुतू, तारीख ए फिरोजशाही। तो किससे हमें प्राप्त होता है? चाचनामा से हमें सिंध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? चोल, पांड्य, सातवाहन, सत्यपुतो। तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो सातवाहन का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित शासकों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? बृहद्रथ, दशरथ, हुविस्क, खारवेल। तो किसका झुकाव था? खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किसने चार अश्वमेघों का संपादन किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, प्रवरसेन प्रथम, पुष्यमित्र सुंग, समुद्रगुप्त। तो किसने किया था? तो ये होंगे प्रवरसेन प्रथम, जिसने चार अश्वमेघों का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, किसने अनुमति की थी? महेंद्र वर्मन, मेघवर्मन, शशांक वर्मन, यशोवर्मन। तो मेघवर्मन ने अनुमति यह कहा था कि भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, देखिए आ गया यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या था? पानीपत का द्वितीय युद्ध था, यहाँ क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था पूछा जा रहा है। ठीक है, पिछले पेपर में जब फर्स्ट पेपर हमने पढ़ा था तो वहाँ क्या पूछा गया था? द्वितीय युद्ध पूछा गया था पानीपत का, यहाँ प्रथम युद्ध पूछ लिया गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि द्वितीय युद्ध पूछा गया है या प्रथम युद्ध, तो जितने उससे संबंधित युद्ध हैं उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, तो वो कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था अकबर एवं हेमू के मध्य, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य। तो किसके मध्य लड़ा गया था? यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है।
झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी। कारण है, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों सही है, और जो कारण है वह कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? चुवार विद्रोह, पोलिगार विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, तालुक केदारों के विद्रोह पर। तो किस पर आधारित है यह? यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किसने की थी? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ये इसमें से किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेजली। तो किसके द्वारा पारित हुआ था यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? यह लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायकोम सत्याग्रह प्रमुख रूप से एक विरोध था किस चीज का? भूमिधरों के अत्याचार के विरुद्ध, अछूत प्रथा के विरुद्ध, स्वशासन के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए। तो किसके लिए था? अछूत प्रथा के विरुद्ध था या वायकोम सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रवर्तित किया 1928 ईस्वी में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। तो कब किया था? 1930 ईस्वी में किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसका संबंध एनी बेसेंट से था? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन पीपल, कॉमनवेल्थ। तो कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें से आपका पहला न्यू इंडिया रहेगी और चौथा कॉमनवेल्थ, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनकी है, एनी बेसेंट की थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई? चौरी चौरा घटना, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉयल एक्ट। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, इससे पहले भी पेपर में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने, अब देखें इसमें क्या आंसर सही है। तो इसमें देखिए पहला क्या है, चंपारण आएगा, फिर उसके बाद रॉयल एक्ट सत्याग्रह आएगा, फिर जलियांवाला बाग आएगा, फिर चौरी चौरा घटना आएगा। ठीक है, तो ये आपका सीरियल क्रम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश है कौन? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसमें से कौन सा है? बांग्लादेश आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नागा, कुकी, पैते एवं मिलई समुदाय रहते हैं कहाँ पर? मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में। तो कहाँ रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। ओजोन परत का क्षय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा, सीएफसी द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? सीएफसी के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसके वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो किस में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिजी, सुवा, फिनलैंड, ओस्लो, गुयाना, जॉर्ज टाउन, लेबनान, बेरूत। तो कौन सा सही नहीं है? तो फिनलैंड, ओस्लो, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? असम में, बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो किस में अवस्थित है? यह गुजरात में अवस्थित है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। चलिए सुमेलित करना है अब। मलंजखंड, कोरबा, पन्ना, कोडरमा, और एक तरफ है कोयला, हीरा, तांबा, अयस्क, अब्रक। ठीक है, इसको सुमेलित करना है। तो मलंजखंड कहाँ का है, क्या पाया जाता है? तांबा अयस्क पाया जाता है। ठीक है, तांबा अयस्क पाया जाता है। कोरबा, ये यहाँ पर कोयला पाया जाता है।
पन्ना आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हीरा पाया जाता है, कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, ठीक है, ये सुमेलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानचित्र पर सागर तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से होकर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? समोच्च रेखा, समदाब रेखा, समताप रेखा, समस्थानिक रेखा, तो क्या कहलाती हैं? समोच्च रेखा कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? टाइफून, चीन सागर, हरिकेन, हिंद महासागर, चक्रवात, पश्चिमी द्वीप सागर, टैरनेडो, ऑस्ट्रेलिया, तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? तो इसमें ये होगा आपका हरिकेन जो है, इसमें 2, 3, 4 ये नहीं सही होंगे। पहला सही है टाइफून, चीन सागर, ये सही है, बाकी सब इसमें गलत है आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया, इसमें बाकी सब नहीं पढ़ने लायक थे इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। तो आपका देखिए एक इस वीडियो को देखने से एक फ़ायदा तो आपका ये है कि आपका जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, चीज़ें आप पढ़ लेंगे, और दूसरी चीज़ ये फ़ायदा है सबसे बड़ी बात कि आप जो फालतू के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने से बच जाएंगे, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए 2007 का पेपर देखते हैं, ये हमारा पार्ट फर्स्ट का आखिरी पेपर होगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वीडियो देखेंगे, अगला पेपर देखेंगे 2007 के पेपर में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने, मिलिकन ने, रदरफोर्ड ने, फैराडे ने, तो किसने की थी? टॉमसन ने की थी, ये रिपीट क्वेश्चन है। हीरा एवं ग्रेफाइट पर अपर रूप है कार्बन के, लेड के, जिंक के, टिन के, किस चीज़ का है? यह कार्बन के है, ठीक है, हीरा में कार्बन पाया जाता है, हीरा एवं ग्रेफाइट में कार्बन पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में, उदर में, तो कहाँ रहता है? यकृत में संचित रहता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, तो क्या प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है फोटोग्राफी में। मृग मरीच का उदाहरण है किस चीज़ का? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का, तो किसका उदाहरण है मृग मरीच का? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हृदय की जांच के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? BCG, ECG, EEG, EMU, क्या प्रयोग किया जाता है? ECG प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हृदय की जांच के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप, फाइल, तो क्या कहलाता है? चिप कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, देखिए ये भी रिपीट है क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, तो किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संसद के दो अनुक्रमिक सत्रों में अंतर नहीं हो सकता, 4 माह से अधिक, 6 माह से अधिक, 1 वर्ष से अधिक, जो राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया गया हो, तो क्या ऑप्शन सही होगा? 6 माह से अधिक, ठीक है, ऑप्शन बी। योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए अब योजना आयोग तो रह नहीं गई, अब नीति आयोग आ गया है उसके स्थान पर, आप नीति आयोग पढ़िएगा कि नीति आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, तो कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही में बिना सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन भाग ले सकता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का महाअधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो कौन भाग ले सकता है इसमें? तो भारत का महाअधिवक्ता, ठीक है,
भाग ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया गया हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों को समान भागीदार हो। इसमें से कौन सी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान हो, ठीक है, उसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा स्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? महाजन, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, राजकीय पेंशनर। तो कौन पाता है? ऋणी सर्वाधिक लाभ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? निर्णय से प्राप्ति की बचतें, अनिवासी भारतीयों की जमा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश इसका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कृषि आयातों में सर्व प्रमुख मद है किस चीज़ का? दालें, तिलहन, काजू, खाद्य तेल। तो किसका है? खाद्य तेल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक तरफ खाद्यान्न है, एक तरफ अग्रणी उत्पादक है, कौन उसमें ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, ठीक है। खाद्यान्न में एक तरफ है जौ, मूंगफली, चावल, सोयाबीन, और दूसरी तरफ है चाइना, भारत, रूस और अमेरिका, ठीक है। तो देखिए ये जो है पुराना हमें लग रहा डेटा, ये कुछ चीज़ें तो चेंज होनी चाहिए, इसको देख लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तरफ देखिए बौद्ध तीर्थ स्थल और एक तरफ बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, इनको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ है गया, कुशीनगर, लुम्बनी, सारनाथ, और दूसरा तरफ है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, निर्वाण। तो सबसे पहले गया, ठीक है। गया में क्या हुआ है इसको देखते हैं। गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया था सबसे पहले। दूसरा कुशीनगर, कुशीनगर में क्या है? निर्वाण प्राप्ति, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, निर्वाण प्राप्ति। लुम्बनी क्या है? इन्हें ये जन्म हुआ है लुम्बनी में, ठीक है, पहला लुम्बनी में जन्म हुआ है। सारनाथ, सारनाथ में आपको पता होगा इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो इस तरह ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक शैलोत्कीर्ण मंदिर है? वृद्धेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, कैलाश मंदिर। तो कौन सा मंदिर है ये? कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है, ठीक है। निम्नलिखित में वारकारी संप्रदाय के संत कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। तो इनमें से कौन थे? ये चारों थे, ठीक है, ये चारों लोग वारकारी संप्रदाय के संत थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आगमन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, कौन कौन आए हैं, ठीक है, कौन पहले आया फिर कौन उसके बाद आया, इसको देखते हैं। इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डी गामा, विलियम हॉकिंस। तो कौन कौन पहले आया उसको देखते हैं। पहले देखिए मार्को पोलो आए हैं, फिर इब्न बतूता आए, फिर वास्को डी गामा आए, और लास्ट में विलियम हॉकिंस आए हैं, ठीक है। ये आपका कालक्रमानुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में ज्योतिष संबंधी एक वेदशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने निर्माण करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, भरतपुर के सूरजमल ने, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। तो किसने करवाया था? जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगलों के शासनकाल में सबसे बड़ा पत्तन कौन था? मुस्लिम पट्टम,
सूरत, ढाका, हुगली, तो कौन था? सूरत था। शारदा अधिनियम पारित हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंतरजाति विवाह के लिए, विधवा विवाह के लिए, बाल विवाह पर रोक के लिए, कन्या शिशु हत्या पर रोक के लिए। तो किस चीज़ के लिए था? बाल विवाह पर रोक के लिए था। भारत की बेहतर सरकार के लिए रानी की घोषणा को 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने जिस दरबार में सुनाया था वह हुआ था इलाहाबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में, लखनऊ में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम ब्लावेट्स्की का संबंध किससे था? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो किससे संबंध था? थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित था यह। भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था? तो किसने हिस्सा लिया? फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो किसने हिस्सा लिया था? दादा भाई नौरोजी ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन का प्रारंभ, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ठीक है, इनका सही क्रम लगाना है इसमें। तो क्या होगा? पहले होम रूल आंदोलन का प्रारंभ हुआ, फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर क्या हुआ? फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। जैसे लगाया वैसे ही सही है ये। ठीक है, इसी तरह तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, आत्मारंग पांडुरंग, लोकमान तिलक, महादेव गोविंद रानाडे। तो किसने किया? लोकमान तिलक ने किया था। मराठा और केसरी समाचार पत्र इन्हीं की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे स्थानों की सूची दी गई है, उन स्थानों के नाम उल्लेख किए गए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। सूची के नीचे कुछ शायद सही उत्तर का चयन कीजिए। कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी ये बताना आपको। तो बलिया, मेरठ, सतारा, तेलंगाना। तो कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बलिया और सतारा में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम कब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शीर्ष गीत बना? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो कब बना था? यह बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, वंदे मातरम भारत के स्वतंत्र संग्राम का शीर्ष गीत बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है। भारत एक मानसूनी देश है, कथन है, और कारण है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें क्या सही होगा? इसमें आपका कथन और कारण दोनों सही हैं, बट जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण की गई थी किस रेखा द्वारा? डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैगीनॉट रेखा द्वारा, रेडक्लिफ रेखा द्वारा। तो किसके द्वारा है? ये रेडक्लिफ रेखा के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान। तो कौन नगरीकृत है? ये इसमें से भारत जो है वो सर्वाधिक नगरीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य सागरी मछली के उत्पादन में अग्रगण्य है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कौन अग्रगण्य है? गुजरात है। ठीक है, मछली के उत्पादन में अग्रगण्य है। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। किसका रंग लाल दिखाई देता है? तो यह मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्नेडो
बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कहाँ से, कैरेबियन सागर से, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में। तो किस में है, कैरेबियन सागर से उठते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्व महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र है कौन है, कुडुप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विंध्य तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली, हिमालय, सह्याद्री, विंध्य। तो इसमें से कौन सा है, अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम लवणता पाई जाती है किसमें, श्याम सागर में, चीन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में। तो किसमें पाई जाती है, मृत सागर में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये आपकी अधिकतम लवणता किसमें, मृत सागर में पाई जाती है। तो ये आपका 2007 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन आपके यहाँ तक कंप्लीट हुए। ये पार्ट फर्स्ट की वीडियो थी। पार्ट सेकंड में तीन पेपर और पूछे गए हैं, तीन एग्ज़ाम और हुए हैं, उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड किए गए हैं, पिछले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें फिर अगले पेपर में पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। कम से कम आप जो जीके के क्वेश्चन पिछले पेपर्स में पूछे गए उनको कायदे से पढ़ के जाइएगा और उनके आसपास के क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।